ज़्यादा करके आर्टिस्ट रहते हैं, जितने भी फिल्मों से जुड़े हुए काम करने वाले लोग रहते हैं वो सब रहते हैं। ये देखिए सामने ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिमनास्टिक की, यहाँ पे देखिए पूरी टीम इन लोग के होते हैं, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो, एक और वीडियो में वापस आप सबका स्वागत है। और थोड़ी सी बॉडी हमारी ऊपर नीचे हो गई है, थोड़े मोटे वोटे हो गए हैं, पेट वेट बाहर आ गया है, ये देखो। तो फिटनेस को लेकर थोड़ा सा अभी मैं अवेयर हुआ हूँ और कंटिन्यू अभी कुछ वर्कआउट करूँगा ताकि बॉडी को थोड़ा फिट कर सकूँ। और इस वक्त अभी हम पार्क में आए हुए हैं रनिंग करने के लिए, रनिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, बाकी का जो और एक्सरसाइज है वो करेंगे। ये देखिए किस तरीके से पार्क में यहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी अनफिट हुए हैं तो वर्कआउट कीजिए, फिटनेस पे ध्यान रखिए, क्योंकि हमारा शरीर ही हमारी कमाई है। अगर आपके शरीर स्वस्थ होगा तो आप कोई भी काम दिल लगा कर कर सकते हैं। तो किस तरीके से हमारा जो वर्कआउट है वो हो रहा है और पूरा दिनचर्या क्या रहने वाली है, अभी थोड़ा सा जो है वो ब्लॉग में मैं अपनी जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लोर करूँगा, बाकी मुंबई को एक्सप्लोर करता रहूँगा और आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए अभी मैं इस वक्त मुंबई के अंधेरी में ग्रीन पार्क में आया हुआ हूँ, जो कि मिल्लत नगर के पास में है, और वर्कआउट चल रही है अभी, और वर्कआउट करने हैं एक आध घंटे और करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे कामों के लिए निकलेंगे। तो गाइस अभी पार्क में वर्कआउट करके हो गया कंप्लीट और निकल चुके हैं जिम के लिए, क्योंकि फिटनेस के ऊपर अभी थोड़ा सा काम करना है किसी भी हालत में। और ये देखिए मुंबई की ट्रैफिक, तो अभी निकलते हैं जिम। जिम जो है वो हमारे घर से 1.5 किलोमीटर के दूर पे है, तो जिम निकल चुके हैं और किस तरीके का जिम है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि इस बार जो है वो न्यू जिम हमने ज्वाइन किया है, तो वो जिम मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से दिखता है और कहाँ पे है एग्जैक्ट। तो गाइस अभी हाँ अभी भी घुमा रहा है, इसी में है, ये घुमाता ही रहेगा। तो गाइस अभी जिम वाली जो प्लेस है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और ये हमारे साथ में छोटे भाई है, वो भी वर्कआउट करने आ गया है और साथ में वर्कआउट करेंगे और जिम भी आप सबको दिखाएंगे। ये देखिए मौर्य लोग जो बिल्डिंग है इसी में है अपना जिम। ओए सत्यम, ये देखो क्या है, ओरिजिनल फ्रूट है या फिर शॉप के लिए है? ये देखो खाना है तुमको। तो गाइस ये देखो, अगर जिम वर्कआउट करते हो तो ये सब चीज़ें खानी है, इससे सेहत आपका बनेगा। और ये सत्यम भाई है जो भी फ्रूट खा के बॉडी बनाएगा, ये अंदर जिम है। तो गाइस कुछ इस तरीके से ये जिम अपना दिखता है। और ये देखिए सारा जो वेट ट्रेनिंग के लिए वो सारा ये एरिया है, और कार्डियो के लिए कुछ इस साइड में आपको स्पेस दिख जाएगा, ये सारा जो स्पेस है वो कार्डियो के लिए है। तो वर्कआउट कम्प्लीट करते हैं फिर मिलते हैं आपसे और बताते हैं जिम का एक्सपीरियंस किस तरीके से रहा इसका। तो भाई अभी ट्रेडमिल वाली जो वर्कआउट है वो कंप्लीट हो चुका है और पूरी बॉडी वार्म हो चुकी है, अभी नेक्स्ट जो है वो चेस्ट वर्कआउट करेंगे और आज का जो वर्कआउट है वो पैकअप कर देंगे। कौन सा वर्क? और आज का जो वर्कआउट था वो कंप्लीट हो चुका है, चलिए मिलते हैं किसी और जर्नी पे।
तो आज का वर्कआउट कंप्लीट करते हुए घर पे चलते हैं, डाइट वाइट करेंगे और थोड़ा रेस्ट मारेंगे। 73 हाइट डालो। Place your thumbs on the oval electrodes. Keep your arms straight. Your arms must not touch the sides of your body. Starting your in-body test. ये आ गया सारा मसल्स 32 ओवर नॉर्मल पेटेंट बॉडी फैट। कितना पैसा? 20 लाख रुपए के आसपास जाएगा पैसा। साला मुंबई में ट्रैफिक बहुत तगड़ी वाली लगती है यार। तो गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है और इस वक्त अभी हम आ चुके हैं बरसोवा बीच थोड़ा सा घूमने के लिए। मुंबई बीच तो मैंने काफ़ी ज़्यादा आप सबको घुमाया और बरसोवा बीच किस तरीके से दिखता है वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मुंबई का बरसोवा बीच है और अभी तो काफ़ी अच्छा क्लीनिंग किया गया यहाँ पे। हालांकि देखिए उतना ज़्यादा क्लीन नहीं है जितना आपने गोवा साइड में देखा, बट यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं वो सब यहाँ पे जिमनास्टिक वगैरह का प्रैक्टिस करते हैं इस वक्त। और ज़्यादा करके आपको आर्टिस्ट ही यहाँ पे मिलेंगे क्योंकि बरसोवा साइड में ज़्यादा करके आर्टिस्ट रहते हैं, जितने भी फिल्मों से जुड़े हुए काम करने वाले लोग रहते हैं वो सब रहते हैं। ये देखिए सामने ये लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं जिमनास्टिक की, यहाँ पे देखिए पूरी टीम इन लोग के होते हैं, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। और कुछ इस तरीके से जो है वो बरसोवा बीच आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए आगे सामने रॉक वगैरह जो है वो पत्थर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो कपल लोग आते हैं इंजॉय करने के लिए।